हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने कर्व्ड सरफेस के लिए वर्टिकल प्लेन सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के लिए टोटल प्रेशर की वैल्यू और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालना सीखा है। अब वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग न्यू चैप्टर सीखेंगे, तो जो न्यू टॉपिक है वो है फ्लोटेशन एंड बॉयंसी। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन ये आप लोगों को सीखना है। तो बहुत जब आप लोग 11th स्टैंडर्ड्स में होंगे तब आप लोगों ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस इसके बारे में सीखे हैं कि जब कोई पर्सन या कोई बॉडी जो है वो वाटर के अंदर डाली जाती है या किसी भी लिक्विड के अंदर डाली जाती है तो वो बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम का वाटर जो है वो डिस्प्लेस करती है। यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो बॉडी उस लिक्विड में फ्लोट करने लगेगी, जैसे ये वाटर है यहाँ पर हमने कुछ बॉडी डाल लिया तो ये ऐसी सिचुएशन शो करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, या तो ये बॉडी जो है वो ऐसे उसके अंदर वाटर के नीचे चली जाएगी। ठीक, जैसे कि एक निडिल अगर आप लेते हैं तो निडिल जो है वो वाटर के नीचे चली जाती है, लेकिन उसी मटेरियल से बना हुआ एक जो शिप होती है, जो पानी का जहाज होता है, वो तैरता रहता है। ठीक, तो दो कंडीशंस हैं और इन दोनों कंडीशंस, ये कंडीशंस क्यों होती हैं ये जानना है आपको और रीज़न इनका मेनली आपको जानना है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जिसका वेट हमने लिया और वो वेट ऐसे मतलब बाहर ही रखा हमने एयर पे, उसका वेट हमने लिया तो वो वेट हमें क्या मिला, डब्ल्यू एयर मिला। अभी हमने इसी डब्ल्यू एयर वेट की बॉडी को उठाया और उसे वाटर के अंदर डाला। मान लीजिए अभी फ्लोट नहीं हुआ, वो वाटर के सरफेस के नीचे चला गया। अब वाटर के सरफेस के नीचे जाने पर उस पे हमने फिर से उसका वेट लिया और वाटर के अंदर उसका जो वेट आया, सपोज़ वो आया W मान लीजिए, सिर्फ W, वाटर के अंदर जो उसका वेट आया वो मान लीजिए आ गया W। ठीक, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को एयर पे वेट करते हैं, W एयर, और फिर उसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर या किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डालते हैं और फिर उसका वेट लेते हैं जो कि W आया, तो एयर पे जो वेट लिया गया है उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। ये आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमने जो वेट लिया है वो ज़्यादा होगा और वाटर के अंदर जब हम उस ऑब्जेक्ट का वेट लेंगे तो वो हमें कम मिलेगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है, ये कमी
उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब कि इसमें ये कितना कम है। अगर हम लोग W एयर माइनस W करें, मतलब वेट में कितनी कमी हुई है ये निकालें, तो ये किसके बराबर आएगी। ये जो वॉल्यूम, ये जो बॉडी डाली गई, इस बॉडी का वॉल्यूम मान लीजिए क्या है, V है, और इसने अपने V वॉल्यूम की वजह से V वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जितना डूबेगा उतना ही वॉल्यूम हटाएगा। तो V वॉल्यूम ऑफ वाटर या V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया। अब ये जो V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, इसका वेट कितना होगा। तो लिक्विड की डेंसिटी, मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये यही कमी के बराबर होगा। तो ये जो आपके सामने जो फॉर्मूला है, ये क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसके वेट में कुछ कमी हो जाती है, और यह कमी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हटाए गए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के वेट के बराबर होती है। यानी ये इस चीज़ को आपको याद रखना है। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो आपके बायंसी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, ठीक। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा केस जो है वो क्या हो सकता है कि ये जो बॉडी है, ये जो आपने बॉडी इसके अंदर डाली है, ये जो डाला है बॉडी, ये बॉडी अब फ्लोट करने लगे, मतलब कि आपका जो कंडीशन आ जाए, आपका जो कंडीशन हो जाए वो कुछ ऐसा हो जाए। अब जो है आपका बॉडी फ्लोट कर रहा है, आपने पहले सबसे डालने से वाटर पे डालने से पहले आपने ये जो बॉडी है उसका वेट लिया, और वो वेट आपको मिला W एयर। बाद में आपने इसी वेट को बाद में आपने इसी वेट मतलब इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ पर डाला, लिक्विड के अंदर डाला, और अब सिचुएशन क्या हुई कि ये फ्लोट करने लगी। जब फ्लोट करने लगी और तब अब अगर आप इसका वेट लेंगे, मतलब लिक्विड के अंदर इसका वेट लेंगे और कोई चीज़ फ्लोट हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका वेट ज़ीरो आएगा, तभी तो वो फ्लोट कर रही है, ठीक। तो अब वाटर के अंदर जो वेट हुआ वो हो गया ज़ीरो, मतलब अगर आप चाहें तो इसको लिख लीजिए माइनस ज़ीरो इक्वल टू, इस बॉडी ने जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वेट के बराबर। अब देखें अगर आप, तो इस बॉडी का ये जो मैंने लाइन खींचा, सिर्फ इतना ही पार्ट डूबा हुआ है, बाकी जो पार्ट जो वॉल्यूम ऊपर है, वाटर सरफेस के ऊपर है, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी डूबा हुआ है। मान लीजिए वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो है V सबमर्ज, तो जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी डूबा हुआ होगा उसने उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ बॉडी, यानी V सबमर्ज वॉल्यूम हो गया। वेट हमें चाहिए तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई जी। तो अब इस जीरो को लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब क्या हुआ कि टोटल
जो उसका वेट था इस लिक्विड के अंदर डालने से पहले, ये वेट उसके उसके सबमर्ज पोर्शन के वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो कंडीशंस और इन दोनों कंडीशंस पे जो वेट वगैरह आ रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सब कुछ आपने सीख लिया। अब बात आती है कि मैंने तो ये सब कुछ वेट के टर्म्स में बताया आपको, वायंसी टर्म क्या है? तो वायंसी टर्म क्या है कि सपोज़ ये एक कंटेनर है, इस पे क्या है, वाटर फिल है। अभी क्या हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर डाला गया। अब इस ऑब्जेक्ट का जो एयर पे वेट था वो क्या था, W एयर था, जो कि एक्ट करेगा क्या, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर डाली जाती है तो उस लिक्विड पर एक अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, अपलिफ्ट फोर्स लगता है। मतलब कि एक फोर्स कुछ लगेगा, ऐसे अपवर्ड कोई फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। और यही फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है रीज़न होता है किसी भी बॉडी के वेट में कमी के लिए। जैसे कि देखिए, अभी जो बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और फोर्स ऑफ बॉयंसी जो लगता है वाटर की वजह से या किसी भी लिक्विड की वजह से, वो अपवर्ड लगता है। तो जब बैलेंस करेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वही रिजल्टेंट वेट ऑफ बॉडी इन वाटर होगा। मतलब कि जो अभी हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर हमें वो चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, वेट इन एयर माइनस माइनस दिस फोर्स ऑफ वायंसी। और यही चीज़ अभी आप लिख रहे थे कैसे, वेट इन एयर W एयर माइनस W इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, मतलब वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यानी ये जो आपके सामने जो वायंट फोर्स है, ये वायंट फोर्स क्या होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हटाया गया है उस बॉडी के थ्रू, बल्कि जितना जितना वो बॉडी सबमर्ज है उस सबमर्ज बॉडी का वॉल्यूम निकालिए, और वो वॉल्यूम उतने ही उस वो बॉडी उतने ही वॉल्यूम का वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमें पता चल जाएगा। फिर उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से हम वेट ऑफ लिक्विड पता कर सकेंगे। अब यही वेट ऑफ लिक्विड जो है बॉयंसी फोर्स कहलाता है, इसे हम लोग एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस तरह बाकी सभी फोर्स, जैसे कि टोटल प्रेशर जो भी आप लोगों ने सीखा, या वेट ऑफ द बॉडी, वो सब एक एक स्पेसिफिक अपने अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग टोटल वेट ऑफ द बॉडी बोलें तो वो सी जी पे एक्ट करता है, और अगर हम लोग टोटल प्रेशर बोलें कि टोटल प्रेशर कहाँ एक्ट करता है तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करता है। तो इसी तरह फोर्स ऑफ वायंसी जो होता है वो सेंटर ऑफ वायंसी पे एक्ट करता है। तो देखिए, जो आप लोगों ने सीखा, जो मैंने बताया, वही चीज़ें अब हमने यहाँ पर लिखी हैं कि वैन अ बॉडी इज़ इमर्स्ड इन फ्लूड, जब एक बॉडी को किसी फ्लूड में डुबाया जाता है, एन अपवर्ड फोर्स इज एग्जर्टेड बाई द फ्लूड ऑन द बॉडी, एक अपवर्ड फोर्स लगता है फ्लूड के थ्रू बॉडी पर, यही अपवर्ड फोर्स जो है जो लिक्विड हटाया है उस बॉडी ने उसके वेट के बराबर होती है, और इसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ वायंसी या फिर
वायंसी बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ वायंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ वायंसी। अब सेंटर ऑफ वायंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड, उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो सीजी होता है वही सेंटर ऑफ वायंसी के बराबर होता है, मतलब वही सेंटर ऑफ वायंसी डिसाइड करता है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, द सेंटर ऑफ वायंसी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए। तो जो जो रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से मैंने आपको बताए हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ वायंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विथ 2.5 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर। यूज द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक एज 650 केजी पर मीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ 6.0 मीटर। तो क्या क्या डेटा इसमें ज़रा गिवन है वो देख लेते हैं। जो ब्लॉक है, जो वुडन ब्लॉक बोला जा रहा है, तो उस वुडन ब्लॉक की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं या डायमेंशंस जो हैं वो हमें बता दी गई हैं। जैसे देखिए, विथ बता दिया गया है, डेप्थ बता दिया गया है और लेंथ भी बता दिया गया है। वुडन ब्लॉक का तीनों डायमेंशंस हमें पता है। इसके बाद देखते हैं, वुडन ब्लॉक का डेंसिटी भी बता दिया गया है और जो लिक्विड यूज़ है वो वाटर है, इतना चीज़ तो क्लियर किया गया है। अब पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ वायंसी। मतलब कि जो वायंसी फोर्स लग रहा है उसका सेंटर कहाँ पर होगा ये पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है कि अगर आप इस वुडन ब्लॉक को वाटर पे डालें तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा। तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना जितना वो वुडन ब्लॉक लिक्विड में यानी वाटर पे डूब जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन पे हमने ये बनाया है। अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमने इसको फ्लोटिंग क्यों बनाया। तो देखिए, पहली बात तो ये वुडन केस है, वुडन केस है इसलिए हमने इसको फ्लोटिंग बनाया। लेकिन अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको पता चलता रहेगा कि डेंसिटी जो है वो ये चीज़ डिसाइड करती है। जैसे कि देखिए, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक 650 केजी पर मीटर क्यूब है और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 होता है। ठीक, तो इससे भी थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, लेकिन ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती है। जैसे कि आयरन की बनी चीज़ें होती हैं वो, उनका डेंसिटी तो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है लेकिन वो फ्लोट करती हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्लोटिंग का केस है। और इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन में गिवन भी है, इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर। ठीक है, तो ये फ्लोट करेगा। तो अब देखिए, जो भी डायमेंशंस दी गई हैं वो हमने बना दी। एक हमने रेक्टेंगुलर बनाया जिसकी विथ जो है वो है 2.5 मीटर और डेप्थ जो है 1.5 मीटर डेप्थ है और लेंथ पीछे की साइड है, वो विजिबल नहीं होगी, 6 मीटर की लेंथ है।
ये जो जी है ये इस वुडन ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर इसका टोटल वेट एक्ट करेगा, टोटल वेट एक्ट करेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर W से इंडिकेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो वुडन ब्लॉक है वो H हाइट डूबा हुआ है वाटर के अंदर। जब H हाइट डूबा हुआ है तो मतलब H हाइट सबमर्ज्ड है, और बाकी बचा हुआ 1.5 माइनस H वो ऊपर है। अब इस वाटर की वजह से जो वायंट फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर वो क्या है, एफ बी है। और ये वायंट फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है, इस बी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई हैं। नेक्स्ट देखिए, विथ डेप्थ और लेंथ ये लिखा हुआ है। अब अगर हमें विथ डेप्थ और लेंथ ये वैल्यूज़ पता हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक होगा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि विथ डेप्थ और ये लेंथ। तो इससे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक आया वो आया 22.50 मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ वुड भी गिवन है और वॉल्यूम भी हमें पता है, डेंसिटी भी हमें पता है, तो हम वेट ऑफ द ब्लॉक पता कर सकते हैं। और वेट ऑफ द ब्लॉक होगा क्या, वेट ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी, लिखा भी है देखिए, मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। मास डेंसिटी है 650, जी का वैल्यू 9.81 और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक दिस वैल्यू 22.50। तो इनका मल्टीप्लिकेशन पर करने पर हमें वेट ऑफ द ब्लॉक मिला कितना, 143,471.25 न्यूटन। मतलब अब करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उस वुडन ब्लॉक का सभी डायमेंशन पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है और वेट पता है। इसके अलावा हमें जो लिक्विड हमने यूज़ किया है उस लिक्विड यानी वाटर का मास डेंसिटी पता है या वेट डेंसिटी भी पता है। ठीक, अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि जब कोई चीज़ फ्लोट करती है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स तो हो जाता है ज़ीरो। तो यानी उस वुडन ब्लॉक का जितना वेट है उतना ही उसमें वायंसी फोर्स लग रहा है, तभी उसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया ज़ीरो के बराबर। तो यानी ये जो वेट ऑफ द ब्लॉक आया है यही वेट ऑफ द ब्लॉक वायंसी फोर्स के बराबर है। अब ये देखिए, जो ये जो वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक है यही वायंसी फोर्स के बराबर है। अब वायंसी फोर्स का वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कि वायंसी फोर्स होता कितना है, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक, तो वायंसी फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक, और ये है किसके बराबर, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उस वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के बराबर है। अब वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस तो हमें पता चल गया है, वायंसी फोर्स हमें पता है, और वायंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। और वेट डेंसिटी क्या होगा इसमें, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर इस बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो
इस बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो वी तो नहीं, वी सबमर्ज ऐसे कर दीजिए, तो वी सबमर्ज ठीक। तो हमें जो है वी सबमर्ज निकालना है, वेट का वैल्यू हमें पता है, वी सबमर्ज निकालना है तो निकल आएगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी किया गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस अपॉन वेट डेंसिटी रो इंटू जी, वेट डेंसिटी होता है। तो फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ, 14.625 m³। क्वेश्चन में देखिए आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमसे जो पूछा गया था वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड पूछा गया था। अब हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ वायंसी भी निकालनी है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ वायंसी निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जब भी मैंने जब बोला कि सेंटर ऑफ वायंसी कैसे निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ वायंसी जो होता है जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका सीजी जो होता है वही सेंटर ऑफ वायंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड पता होना चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है वो तो आपको पता है। अब यही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक सबमर्ज्ड इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक सबमर्ज्ड इन वाटर। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ये पार्ट इतना पार्ट सबमर्ज है, तो इतने पार्ट का हमें वॉल्यूम चाहिए। बहुत इजी है, ये डायमेंशन हमने h मानी हुई है, h मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये देखिए 2.5 मल्टीप्लाइड बाई h मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया है। यहाँ से हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और h की वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करती है, h की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि कितना पार्ट डूबा हुआ है वुडन ब्लॉक का, कितना डेप्थ डूबा हुआ है वुडन ब्लॉक का। तो अब अगर हमें सेंटर ऑफ वायंसी चाहिए तो ये जो पोर्शन है, ये जो डूबा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका जो सीजी होगा वही सीजी का डेप्थ वाटर सरफेस से सेंटर ऑफ वायंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको दिख रहा है तो ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसका विथ जो है वो है 2.5 m और डेप्थ जो है वो है h मीटर। तो अगर डेप्थ h मीटर है तो डी बाई टू यानी h बाई टू पे इसका सी जी होगा। यानी सेंटर ऑफ वायंसी जो है वाटर सरफेस से h बाई टू पर एक्ट करेगा। तो ये देखिए सेंटर ऑफ वायंसी h बाई टू, और दिस वैल्यू बेस से कहें या वाटर सरफेस से कहें h बाई टू है तो सेम ही होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। अब आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये तो फ्लोटिंग का केस था, तो इसमें हमारा टोटल वेट इक्वल टू वायंसी फोर्स के बराबर हो गया। लेकिन इसके बाद हम लोग सबमर्ज केस देखेंगे और फिर हम लोग अलग अलग लिक्विड में सबमर्ज बॉडी के केसेस भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।